someone whose recent song or bhajan about Lord Ram has gone viral. Hansraj Raghuvanshi is joining us. His bhajan was in fact shared by Prime Minister Modi as well. Hansraj Raghuvanshi, thank you so much. Mera sawal sabse pehle ye hoga aapse ke kab likhna shuru kiya aapne aur kitne samay laga? इसको हमने अभी कुछ दो तीन हफ्ते पहले ही मैंने लिखा नहीं है, मैंने कंपोज किया है, मैंने गाया है, परंतु लिखने वाले रवि चोपड़ा जी हैं। और हमने बस जैसे मैं अपने जितने भी भजन बनाता हूँ भोलेनाथ जी के, वैसे हमने राम जी का भी भजन बनाया। और मेरी पूरी दिली इच्छा थी कि मैंने अभी तक जैसे मेरे नाम के आगे हंसा रघुवंशी लगता है, तो रघुवंशी जी के लिए मैंने कोई गाना नहीं गाया था, कोई भजन नहीं गाया था। तो मैंने कोशिश करी और अपनी पूरी टीम, हमारी टीम ने जिसने म्यूजिक दिया है और लिखने वाले जितने भी थे और वीडियो पूरी टीम, तो हमने पूरी ईमानदारी के साथ श्री राम जी के चरणों में अपना भजन समर्पित किया और मेरे चाहने वालों ने ढेर सारा प्यार दिया। और हम जितने भी मेरे गाने रहते हैं उन पर किसी भी प्रकार का ऐड नहीं रहता, वो पूरा ऑर्गेनिक रहता है। मेरा चैनल, मेरा हंस रघुवंशी जो यूट्यूब चैनल है, तो उस पर मेरे चाहने वालों ने इतना प्यार दिया कि वो बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार स्नेह मिल रहा है, श्री रामचंद्र जी की पूरा प्यार, पूरा आशीर्वाद मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह शेयर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी मतलब शेयर कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है। आप सिंगर कंपोजर हैं, क्या ये भजन गाना सबसे यूनिक था? पहले भी आपने शिव भजन गाए हैं? मैं भोलेनाथ जी के ऊपर गाने गाता हूँ, राधा कृष्ण पे गाता हूँ, खाटू श्याम पे गाता हूँ, श्री राम भगवान जी के ऊपर गाया, क्योंकि भगवान तो एक ही है बस। और मतलब मैं मैक्सिमम गाने मेरे कंपोज किए हुए हैं, जैसे शिव समारे मुझ में मैं शून्य हो रहा हूँ, मेरा भोला है भंडारी, राधे राधे, गाने बहुत है, भजन बहुत है। और आज श्री राम जी का किया मैंने। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो शुरू की लाइन है, अयोध्या आए मेरे राम बोलो जय श्री राम, वो हमने इंस्पायर होकर, ये जो ट्रेडिशनल फोक है, राजस्थानी फोक है, जो पहली लाइन है वो, और आगे सारा कंपोजिशन मेरा है। हाँ, इस गाने में क्या खास है कि ये वायरल हो गया है? देखो, जैसे मैं एक राइटर हूँ, कंपोजर हूँ, तो हमारे लिए सारे गाने खास होते हैं, परंतु उसको खास ज्यादा बनाने वाले प्रभु है ना। इस गाने पे प्रभु जी का आशीर्वाद है, मेरे चाहने वालों का प्यार है, तो वो ज्यादा खास हो जाता है। मेरे लिए तो सारे खास है। क्योंकि आप खुद युवा हैं और यूथ के लिए गाना गाते हैं, तो आज के जमाने में युवा के लिए राम मंदिर का क्या मायने है? देखो, मैं बताना चाहूंगा कि श्री राम जी का भजन आया हमारा, तो युवा ही इसको ज्यादा देख रहे हैं, बुजुर्ग भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि हमारा जो युवा है, पहले कम सुनते थे भजन, परंतु आजकल जो माहौल है, मतलब अब जय श्री राम जी आ रहे हैं, श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, तो हमारे प्रभु राम है, तो मतलब लोगों में, जितने भी आपने बताया कि युवा में पूरा वो है, उत्साह है कि प्रभु रामचंद्र जी आ रहे हैं, तो हमें भी वैसा ही है, तो पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, क्योंकि हमारे राजा महाराज श्री रामचंद्र। तो युवा में अपनी तरफ से युवाओं को बताना चाहूंगा कि आप अपने कार्य करिए, जो भी आप करते हैं अपने जीवन में, देखो सारे कार्य धार्मिक नहीं हो सकते, अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं, परंतु आप धार्मिक भी बनिए, क्योंकि अपनी संस्कृति से जुड़िए, अपने संस्कार पैदा, मतलब अपने माँ बाप ही पैदा करवाएंगे बच्चों में, जो भी आगे होंगे, तो अगर भजन अपने बच्चों को सुनाएंगे, मेरे सुनिए, सबके, बहुत सारे ढेर सारे हमारे कलाकार है जो भजन गाते हैं, सबको सुनिए, तो इससे एक पॉजिटिविटी आएगी भगवान के प्रति और भगवान भी आपका अच्छा कल्याण करेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए गाकर सुना सकते हैं? युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहर आ गया, जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का,
राग जी योगी संतों की अखियों से छलका है प्रेम अनुराग जी, सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। All right, Hansraj, thank you so much for joining us.